नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप किसी वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं या फिर आपको किसी अनजाने भय का डर सताता है या कोई डर आपके पास रहता है, तो आज के हमारे इस एपिसोड में आचार्य जी बताएंगे मानसिक तनाव और अज्ञात भय से मुक्ति पाने के अचूक मंत्र। और ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में और साथ ही जानेंगे आपका राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है आयुष्मान और करण है गर। और चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज के दिनचर्या में लक्षण ऐसे बनते हैं कि आप कारोबार में अपना विस्तार कर सकते हैं और व्यापार में भी आपको लाभ बहुत बड़ी मात्रा में मिल सकता है, लेकिन आवश्यकता है पूरे मनोयोग से अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्ति की स्थिति संभावित दिखाई देती है, तो आपको इस समय में प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आपके प्रयासों से आपकी तरक्की में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होने के लक्षण दिखते हैं, बनते हैं, तो वृषभ राशि के जो व्यापारी बंधु हैं उन्हें भी आज प्रयास करना चाहिए। आपके व्यापार में, नौकरी में जो कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। नए संपर्क आज आपके कुछ बनने वाले हैं जो आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता, किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक है। अध्ययन में विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए और व्यापार में इस समय में कोई नया पार्टनर, नया साझेदार नहीं जोड़ना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता अचानक बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता पड़ेगी और आपको उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप उनके साथ रहें, इतना ही बहुत होता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदा ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका सामाजिक प्रभाव और मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़े ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं।
आर्थिक पक्ष में अत्यधिक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं आने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति सामान्य और सुदृढ़ रहने वाली है, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन के आरंभ में आर्थिक कार्यों में वाद विवाद की स्थिति आपके बनते कामों को बिगाड़ सकती है। प्रतियोगियों के लिए अपनी नीतियों से परास्त करने का उद्देश्य आपको आपके प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त कर सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस दौरान बचना चाहिए। और अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली दर्शक चंद्रा अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी चंद्रा, बताएं क्या सवाल है आपका। पंजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ, अल्मोड़ा से उत्तराखंड जी। मेरे बेटे का जन्म डेट ऑफ बर्थ है सुबह 29 अप्रैल 1995 को है जी। और सुबह 4:05 पे जी उसने बीटेक कर रहा है मतलब, और लेकिन उसके आगे का भविष्य और उसकी जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और बिना किसी बहुत बड़ी समस्या के ये अपनी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग पूरी कर लेंगे और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही इनका करियर जो है, इनका भविष्य जो है बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा दिखाई देता है। एक काम आपको जरूर करना चाहिए कि दशम भाव का स्वामी बृहस्पति देवता है और वह अपने स्थान से 12वें बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का आप जाप करा करके शांति करा दें। उससे अगर कहीं कोई बाधा आनी भी होगी तो इस जातक को उस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी और इनका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस समय में अगर ये भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, आप इनके लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो फायदा अवश्य मिलेगा। अगले दर्शक उदय रानीखेत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उदय, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने दोस्त के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसका नाम दिनेश है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 30/6/1994 है, समय है 2:45 और जन्म स्थान रानीखेत है सर। वो आर्मी में भर्ती होना चाहता है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है सर, मैं आपकी जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने ये जो समय बताया है 2:45, ये दिन का है या रात का? जी दिन का है। देखिए आपने कहा कि ये सेना में भर्ती होना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधाएं आ रही हैं, सेना में जाने के लिए इनकी कुंडली में उतने अच्छे योग नहीं हैं, और अगर ये जाना ही चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अथक परिश्रम के बाद ही ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, वैसे संभावना बहुत कम इनके लिए बनती है। और अगर इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं और चाहते ही हैं कि किसी भी कीमत पर आपको यह स्थान प्राप्त करना है, ये नौकरी प्राप्त करनी है, तो ऐसे में मंगल और सूर्य देवता इन दोनों की पूजा आराधना आपको करनी पड़ेगी, ग्रहों का जाप करा करके थोड़ा सा और उनको बल देना पड़ेगा, ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, तब कहीं सफलता मिल सकती है। अन्यथा इस दौरान प्राइवेट सेक्टर्स में आप नौकरी ट्राई करें तो आपको किसी भी संस्था में नौकरी मिल सकती है। खासतौर पर अगर आप किसी फैक्ट्री वैक्ट्री के लिए ट्राई करते हैं, कहीं पैकेजिंग वैकेजिंग के काम के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें आपको सफलता कहीं ज़्यादा मिल सकती है। राहुल श्रीवास्तव वाराणसी से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राहुल, बताएं क्या सवाल है। नमस्ते प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताए। सर पंडित जी, मेरा जन्म है 28/4/1990 जी। जी बिहार में हुआ है, 11:30 से 12 के बीच में। मैं पूछना चाहता पंडित जी कि मेरा नौकरी कब लगेगा और कब मेरा शादी होगा। जी बिल्कुल, ये जन्म का समय दिन का है या रात का? गुरु जी दिन का है। ये बता दीजिए मेरा लव मैरिज शादी होगा कि रिंग मैरिज, और नौकरी कब मिलेगा गुरु जी मुझे? जी बिल्कुल, देखिए बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, जहाँ तक आपने लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात पूछी है, तो आपकी कुंडली में लक्षण तो यही बनते हैं कि आप प्रेम विवाह करेंगे और अंतरजातीय विवाह की स्थिति रहेगी, परिवार से मतभेद की स्थिति रहेगी, लेकिन आदर्श यही होता है कि आप अगर आपको करना भी है तो परिवार को मना करके परिवार की राजी खुशी आप जो कुछ भी करें वो आपके भी हित में है और परिवार के भी हित में है।
जल्दीबाजी में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ये लक्षण बहुत मजबूती से बन रहा है कि दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी और बहुत समृद्ध ना हो। तो ऐसे में परिवार का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिर दोनों तरफ से मार खा सकते हैं। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि और राहु का संयोग है, ये बहुत अच्छा योग नहीं होता है किसी भी जातक के दाम्पत्य जीवन के लिए। तो शनि राहु केतु के मंत्रों का जाप कराइए, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, वही आपको सन्मार्ग दिखाएंगे। अगले दर्शक झांसी से अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा जन्म 20 मार्च 1993 जी 9:20 से वे का टाइम जी, मैं राजनीति की ओर बढ़ सकता हूँ यानी ये पूछना जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, और आपने ये जानना चाहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति दशम भाव में, और कहते हैं कि शनि जो हैं वो शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले शनिदेव ही होते हैं। आप उनको शोषित वर्ग कह लीजिए, मजदूर वर्ग कह लीजिए, क्योंकि राजनेताओं का काम क्या होता है कि वो उनको लीड करते हैं, उनको एक सही रास्ता दिखाते हैं, जो आदर्शवादी राजनेता होते हैं। आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि निश्चित तौर पर आप राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता अर्जित की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रयास भी करने होंगे। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि इस दौरान आप भगवान विष्णु और भगवान हनुमान की पूजा आराधना करते रहें। राजनीति के क्षेत्र में आप जैसे प्रयासरत हैं आप वैसे ही रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। रिचा कानपुर से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रिचा बताएं क्या सवाल है आपका। जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1972 जी। टाइम है सुबह के 4:15 जी, और स्थान कानपुर जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, रोज बीमार रहते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी जन्म पत्रिका ये बता रही है कि आपको पेट से यानी उदर से जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश है, और राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु बुध के साथ प्रथम भाव में। बुध स्वास्थ्य और व्यापार का कारक होता है, बुध पर राहु केतु का ग्रहण योग है, और राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, जो राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि के स्थान में, और अंतरदशा जिसकी शनि की है वह सप्तमेश और अष्टमेश बन रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के स्वास्थ्य और धन पर ही बाधा आने के संकेत दिखते हैं। इसमें पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि राहु का मामला भी है, तो सिर से जुड़ी हुई कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए, स्नायु तंत्र से नसों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाए, हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाए, चोट चपेट एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जिसमें कहीं ना कहीं शरीर में फ्रैक्चर आए, ये सारी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। तो इस समय में सबसे पहला काम करना चाहिए कि राहु केतु और शनि के मंत्रों का आप जाप तो कराएं कराएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार 11,000 21,000 51,000 जितना करा सकें। कुछ मंत्र महामृत्युंजय के भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए जरूर कराने चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी बची राशियों का और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लक्षण ऐसे बनते हैं कि आपके अधिकांश शत्रु ज्यादातर समय जो है वो नियंत्रित रहेंगे, प्रतिकूल रहेंगे। तो ऐसे में आपको अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं आती हैं, आएंगी। विद्या प्राप्ति कर में बच्चों को, विद्यार्थी वर्ग को कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप ध्यान लगा करके पढ़ाई करें, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, तो महादेव की पूजा आराधना से आपका कल्याण निश्चित है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्राएं कुछ अधिक हो सकती हैं और किसी एक यात्रा से आपको लाभ भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, बड़ा काम पूरा हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। विदेश से पत्राचार करना, विदेश में रह रहे लोगों से संपर्क करना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता हेतु पहले से कहीं ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आवास अथवा स्थान परिवर्तन की संभावना भी आपके लिए बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनुराशि वालों का आज का राशिफल। धनुराशि वाले जातक लोगों को कारोबार की स्थिति अस्थिर और आर्थिक तंगी का अनुभव आपको आज की दिनचर्या में हो सकता है। यात्रा लाभ प्राप्ति की संभावनाएं लेकर के आएगी। छोटी यात्राओं से इस समय में विशेष और शुभ योग आपके लिए लाभ के लिए बन रहे हैं। आपको कोई भी निर्णय करना आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, फिर भी स्वभाव के कारण कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, तो आपको आवश्यकता है अपने प्राकृतिक स्वभाव में कुछ बदलाव लाने की। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम बुझाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में आप मत खोइए। और चलिए जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ मानसिक कष्ट प्राप्त हो सकता है और स्वास्थ्यगत संबंधी कोई समस्याएं भी, परेशानी भी आपके साथ रह सकती हैं। कोई रुका कार्य भी निरंतर परिश्रम प्रयास से पूरा हो सकता है। आज की दिनचर्या में यात्राएं अधिक हो, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। परिवर्तन, बदलाव और तबादले यानी ट्रांसफर की स्थिति भी आपको सामने आ सकती है। विदेश के संबंध जो है आपको बहुत अच्छे लाभ दे जाएंगे और विद्यार्थी वर्ग के लिए कुल मिलाकर के स्थितियां बहुत उनके पक्ष में आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, ऐसे लक्षण आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक कोई परेशानी हो सकती है। घरेलू उलझनें बढ़ सकती हैं। आर्थिक और कारोबारी स्थिति अनिश्चित रहेगी। मानसिक दिमागी उलझनें बनी रहने वाली हैं। अपने आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए आपको स्वयं में पराक्रम के भाव को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय कष्टकारी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और अगर आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में भी कष्ट, नुकसान यानी क्षति की संभावना आपके लिए बनती है। मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी संभावित दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन भी, आपका दाम्पत्य सुख भी प्रभावित रहने वाला है। कारोबारी और आर्थिक स्थिति भी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगी। आर्थिक तंगी का अनुभव आप कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए और जितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं, इन सबसे मुक्ति पाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखना है कि कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। यथासंभव जैसा भी आपका सामर्थ्य है कुछ भेंट, उपहार, दक्षिणा इत्यादि देकर के ही विदा करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानसिक तनाव से मुक्ति का एक अचूक मंत्र। ये चमत्कारी मंत्र जो है वो किसी भी प्रकार के तनाव से आपको छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ, यदि आप किसी वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं अथवा किसी अज्ञात भय से आप पीड़ित हैं, अंदर से आपको हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है, अंदर से एक असुरक्षा का भाव रहता है, आपको डर बना रहता है, अपने आप को, स्वयं को आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके लिए 11 बुधवार लगातार एक नारियल आप ले लीजिए, नीले वस्त्र में लपेट करके किसी भी भिखारी को आप दान कर दें। ये बहुत ही चमत्कारी सूत्र है, चमत्कारी मंत्र समझ सकते हैं। तो आपको करना ये है कि 11 बुधवार, किसी भी बुधवार से आप आरंभ करें, एक नारियल लीजिए, नीले कपड़े में लपेटिए और उसको आप किसी भिखारी को दान दे दें। 11 बुधवार ये आपको उपाय करना है। ये बहुत ही माना हुआ उपाय है। अपने शयन कक्ष में तांबे का एक पिरामिड अगर आप अपने सिर के पास स्थापित करेंगे तो उससे भी आपके अंदर का जो भय है, जो नकारात्मकता आपके आसपास बनी हुई है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
नित्य मानसिक रूप से जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र जो है आपके किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है। ये मंत्र है, ओम अतिक्रकर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दातु महसि। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र पुनः एक बार आप सुन लीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र का जाप करें। जब आपको असुरक्षा हो, जब आपको भय लगे, अनजाना डर हो, आप इस मंत्र का जाप और उच्चारण करते रहें। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। इस मंत्र का आपको उच्चारण इस प्रकार करना है, ओम अतिक्रकर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दातु महसि। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना है। इन उपायों को आप एक और जहां प्रयोग में लाएंगे तो आपको अपने मानसिक तनाव, दबाव, भय इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर परिवार में अगर कोई नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति है तो उसके विचारों में भी परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सभी उपाय, मैंने तीन उपाय आपको बताए हैं इस समस्या से निदान के लिए। एक नारियल वाला उपाय है, एक शयन कक्ष में आपको तांबे का पिरामिड रखना है, और तीसरा मैंने प्रभावशाली मंत्र बताया। इन तीनों को प्रयोग करने से आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके परिवार में किसी परिजन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है जिसके चलते आप परेशान और चिंतित रहते हैं, उसके व्यवहार से आप दुखी रहते हैं, हर प्रकार के कष्टों में इन तीनों उपायों से आपको लाभ मिल जाएगा। तो आज के महा उपाय में हमने जाना कि कैसे अपने मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।